हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस वीडियो पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। पावरफुल कौन सा मुल्क ज़्यादा है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया ज़्यादा पावरफुल पावरफुल है। किस हवाले से? मतलब IT में आगे। ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, वहाँ से सवाल है शायद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है मीर कुरैशी और मीरू शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान। तो आज लोगों से ये जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल मुल्क है या इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? हसीब अहमद जी। हसीब अहमद। इंडिया बोलती है कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान बोलती है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? किस हवाले से? वजह होगी ना, एक कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कोई रीजन देना चाहिए जी। इंडिया बोलती है कि हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। नहीं, पाकिस्तान इंडिया दोगली है। इंडिया क्या है? दोगली है इंडिया। दोगली दोगली इंडिया मतलब? मतलब हमारे मुसलमानों के साथ कोई वही नहीं है। कोई जिस बताते हैं कि उधर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। हिंदुओं के साथ इधर जुल्म, हिंदू हमारे साथ रह रहा है, VIP करके रह रहा है, खा रहे पी रहे हमारे साथ, इधर काम कर रहे हैं, कोई उनको रोक टोक ही नहीं है। उधर हमारा मुसलमान डर डर के रह रहा है। क्यों? मतलब पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान वेलकम। इरफान अली, आपको क्या लगता है इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पाकिस्तान? पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान बेस्ट है। पाकिस्तान हम पाकिस्तान में रहते नहीं, पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में नहीं रहते तो कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता? अगर पाकिस्तान में नहीं रहते तो हम उसको ही बोलते दूसरे को। किसको? इंडिया को। इंडिया को। इंडिया ज़्यादा पावरफुल मुल्क है मतलब है, मानते हैं इंडिया। इंडिया क्यों? हाँ ये बोले भाई, इंडिया बड़ा है वो बड़ा है। कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। किस हवाले से? हर हवाले से, आर्मी के हवाले से और हर चीज़। तो इंडिया तो हमसे ज़्यादा बड़ा है, फिर क्या वजह? नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे तो बड़े मुल्क बहुत हैं। अच्छा, क्या पैगाम इंडिया की? सही है इंडिया के, इंडिया अगर अपना सिस्टम अच्छा करे पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। अच्छा, अब इंडिया के लिए क्या पैगाम है आपका? कोई एक बात कहनी चाहिए? बस केयर करनी चाहिए, और ओवर पॉपुलेटेड है तो उनकी गवर्नमेंट को भी उस तरीके से जो है ना थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर वगैरह, जिस तरह आजकल कोरोना का इशू चल रहा है। अब्दुल सत्तार, मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? पाकिस्तान। वजह पाकिस्तान मुसलमाना लगा है, कलमा में पाक मुल्क है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो क्या बोल देंगे, कौन सा मुल्क? जी ये मुल्क हमारा, ये अच्छा है पाकिस्तान, अच्छा है, हम रहते हैं पाकिस्तान हमें लायक। नहीं, अगर आप नहीं रहते पाकिस्तान में तो कौन सा पावर रहने की वजह से ज्यादा बोल रहे हैं? हमारे साथ पाकिस्तान अच्छा रहता है। हमारे साथ पाकिस्तान अच्छा रहता है। अच्छा, इंडिया के लिए क्या पैगाम है आपका? हमारे लिए कोई पैगाम नहीं है। कोई पैगाम जी नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहते जी, कुछ नहीं पैगाम। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन सा आगे? पाकिस्तान आगे। अच्छा, इंडिया के लिए कोई बात कहनी हो? इंडिया देखें, जो किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो आज अल्लाह पाक देखें वहाँ पर क्या कैसे हालात पैदा कर दिएंगे। तो जो मसद नमाज के लिए रोकते थे बाबरी मस्जिद को, उन्होंने शहीद किया, तो आज देखें वही मुसलमानों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लिए दुआएं करें, ताकि आपकी दुआएं से जो अच्छा दुआएं उस टाइम की वीडियो है, कोरोना वायरस वगैरह चला जाए। कोरोना तो बहुत ज़्यादा। इंडिया के लिए कोई पैगाम है? इंडिया के लिए यह है कि अभी आप देख रहे हैं कैसे हालात हो पड़े हैं, कोरोना वायरस आया हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं उनके लिए। आमीन। कमरान, मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? सर देखा जाए तो हर कोई अपने मुल्क की तारीफ करता है, अपना पाकिस्तान है। पर अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो कौन? ये समझदारी से बोल रहा बंदा। सर जिसमें रहता वही पावर। नहीं, अगर आप नहीं होते पाकिस्तानी तो? पाकिस्तानी नहीं होता तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, भला इंडिया के लिए कोई पैगाम है आपका? इंडिया वो भी हिंदू है, हमारे भाई हैं, आदत की औलाद है वो, हम उसके लिए यही कहेंगे जो बीमारी जिस परेशानी में परेशानी खत्म हो। ये बताएगा कि मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? इंडिया पावरफुल है। इंडिया पावरफुल है। किस हवाले से? उसके भाई इतने 22 सूबे हैं अपने, 4 सूबे हैं। और टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं भाई, पता नहीं। वाजिद अली, मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? पाकिस्तान पावरफुल। वजह क्या है? वजह है कि पाकिस्तान में सब चीज़ है, इंडिया में नहीं है ऐसी कोई। इंडिया में सब कुछ नहीं है, वेंटिलेटर वगैरह ये वो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में है। उसके ऊपर जज कर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है तो पावरफुल नहीं है। पावरफुल नहीं है। मुल्क कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया या पाकिस्तान? सर पावरफुल हमारा पाकिस्तान ही होगा। होगा या है? है इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सी चीज़ में?
हर चीज़ में सर, हमारी पाक फौज है, हर चीज़ है और हमारी सब चीज़ ओके। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो इंडिया हमसे आगे नहीं, आगे नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं है होगा, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं है ना। नहीं हो गया है? नहीं अभी तक हमारी नज़र, पहले नंबर पे आ गया है एशिया, हमारी नज़र से नहीं हुआ सर। इंडिया के लिए कोई पैगाम है? मानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है यार। वीडियो तो सही था, मतलब ज़्यादातर मोस्टली लोग सिर्फ इस बात पर जज कर रहे थे कि यार हम पाकिस्तान में रहते हैं तो बस उसी के बारे में बोलेंगे। मतलब बहुत से लोगों को, ग्राउंड लेवल के लोगों को ये नॉलेज भी नहीं होती है, ये पता भी नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। इस बात से भी लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसा एक भाई साहब ने बोला, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों बोलूँगा किसी बारे में, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस पाकिस्तान है तो है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन आगे है कौन पीछे है। तो कुछ इस तरह के मैंटलिटी वाले लोग भी होते हैं, जो कि गलत नहीं है, उनको अपना अपने काम से मतलब है, उनको क्या लेना देना। कोई पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, कोई ये नहीं जानना चाहता कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, उसके लिए क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, उसके लिए उसकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये ज़्यादा मायने रखता है। मोस्टली केसेस में हमने यही देखा है। और इसमें बहुत से लोग तो बस यही बोल रहे थे कि हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बस पाकिस्तान है तो है। मतलब वो होता है, ऐसे लोग होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत फ़नी भी था। और एक बंदे ने बहुत ज़्यादा समझदारी, कुछ लोगों ने समझदारी की बात भी कही जिनके पास लॉजिकल कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसमें से एक वो बंदा जो बैठा था कि हाँ इंडिया है आगे, उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा समझदारी की बात की कि जो इंडिया में रह रहे हिंदू भी हैं वो भी हमारे भाइयाँ आदम की औलाद हैं, तो उस लिहाज से वो हमारे भाई हुए। तो इस मेंटेलिटी के लोग भी हैं, दो तरफ़ा तीन तरफ़ा चार तरफ़ा वाली जो मेंटेलिटी है वो होती है, सब जगह होती है, जैसा हमने इसमें देखा। और कुछ लोग, एक अंकल जी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इसी बात पे अड़े हुए थे कि हमें नहीं पता आगे नहीं निकल सकता। मतलब वो बोल रहा है बंदा जो एंकर है कि वो निकल चुका है टेक्नोलॉजी में, आगे है एशिया में, नंबर वन पर आ गया है इंडिया, तो बोल रहे नहीं निकला है, नहीं निकल सकता, पाकिस्तान आ गया है तो पाकिस्तान आ गया है। तो वो थोड़ा सा फ़नी भी था, कुछ चीज़ें इसमें फ़नी भी थी, लेकिन ओवरऑल लोगों का यही मानना है। कुछ लोग तो ऐसे भी जज कर रहे थे कि इंडिया में कोरोना चल रहा था, उनके पास ये नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो वो कमज़ोर है। तो सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि स्ट्रॉन्गेस्ट है या नहीं है इकोनॉमी, या फिर आर्मी वगैरह, या फिर टेक्नोलॉजी में आगे होना, इन चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया था। असल में मेन मकसद यही था, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना। तो आर्मी वगैरह में आप कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स वहाँ पर बहुत ही तगड़े रहते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है, बेहतर है, जैसा इस एंकर ने भी बोला जो कि पाकिस्तान का ही है। तो पाकिस्तान की पब्लिक, अगर आप जिस मुल्क की पब्लिक से पूछेंगे वो यही कहेगा कि मेरा मुल्क है तो मेरा मुल्क आगे है, और ऐसा होना भी चाहिए, यही एक स्पिरिट होती है कि हाँ मेरा मुल्क आगे है। आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सुनना चाहते हैं तो वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो वहाँ की फोर्सेस की पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने देखा है, मैंने वीडियोज़ देखी हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो कुछ कुछ सेक्टर में आप कह सकते हैं कि ये बेहतर है कंट्री, और कुछ सेक्टर में आप कह सकते हैं कि ये बेहतर है। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।